इस संडे हम तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं, तुम देखना तुम बहुत खुश रहोगी उसके साथ। ठीक है आप, जैसे आपकी और अम्मी की मर्जी। शाहजेब, मैं कब से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? मैं मामा के पास गया था इसलिए मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था। ओ, आपने मामा से बात कर ली? बहुत गुस्सा होंगी ना वो, क्या कहा उन्होंने? शाहजेब बताए ना क्या हुआ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माहीन, मैं मामा से बात करने गया था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। क्या मतलब हिम्मत नहीं कर पाए? यार मैं बात करने ही जा रहा था कि आयन भाई आ गए, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, मुझे मजबूरन खामोश रहना पड़ा। हाँ तो अच्छी बात है, आयन भाई के सामने ही बात कर लेते आप उनसे। क्या कहता उनसे? कि आपकी साली और मैंने निकाह कर लिया। माहीन कुछ तो सोचा करो, आयन भाई भी ये बात बर्दाश्त नहीं करते, बात बनने के बजाय बिगड़ जाती। आयन भाई को आज नहीं तो कल ये सब कुछ बताना ही होगा, तो आज क्यों नहीं? तुम्हें हर चीज कितनी जल्दी की होती माही? मुझे थोड़ा वक्त दो, ये कोई आम बात नहीं है। मैंने तुमसे दूसरी शादी की है, वो भी अपने घर वालों से छुपकर। जिस दिन ये बात सबको पता चलेगी एक तूफान खड़ा हो जाएगा। उस तूफान को आने से पहले आप रोक तो सकते नहीं है, आज नहीं तो कल ये तूफान आना ही है। मैं इसे रोक नहीं सकता लेकिन इसके नुकसान को तो कम कर सकता हूँ। देखो माही, जल्दबाजी किसी भी काम को खराब कर सकती है। जल्दबाजी? जल्दबाजी कैसे शाहजेब? मेरी मंगनी हो रही है और आप कह रहे हैं कि मैं जल्दबाजी कर रही हूँ। अब तुम्हें किसने कहा था कि मंगनी के लिए हाँ कर दो? मेरी मजबूरी थी शाहजेब, मैं और क्या कर सकती थी। अब मेरी भी ये मजबूरी है और इसे समझने की कोशिश करो मरी। मैं कोई भी सुटेबल से टाइम देके मामा से जरूर बात करूंगा। और वो मौका आपको कभी नहीं मिलेगा है ना? माही, मायूसी की बातें नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं जी, अगर आपकी इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। जी जी, जैसे आपकी मर्जी। अगर पहले आप कर लें तो जी ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सब कुछ लुटाए बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। माहीन, मायूसी की बातें नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या ठीक होगा और क्या नहीं, वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है शाहजेब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे ही बताने दे अपनी फैमिली में, मैं तो अपनी फैमिली को बता सकती हूँ ना। प्लीज माहीन, खुद को और मुझे डिस्टर्ब करने के बजाय सब्र करो। शाहजेब, ये सब क्या हो रहा है शाहजेब? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ? सब मेहमान आ चुके हैं शाहजेब, और आपने अभी तक अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताया। मैं बताना चाहता हूँ मगर क्या कर मगर लगाई हुई आपने? ये कोई मजाक नहीं हो रहा शाहजेब, मेरी मंगनी हो रही है। यार माहीन, तुम पहले मंगनी तो करो, मैं देखता हूँ फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया शाहजेब? मैं आपकी बीवी हूँ। अभी आप कह रहे हैं कि मंगनी कर लो, फिर आप कहेंगे कि शादी कर लो, फिर मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा माहीन। मैं भी यही समझ रही थी शाहजेब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप किसी को कुछ बता ही नहीं सके। यहाँ सब कुछ मेरे लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है लेकिन आपको मेरी फिक्र ही नहीं है। देखो माहीन, मैं खुद बड़ी मुश्किल में, मामा को बताना भी इतना आसान नहीं, और जब उरूज को ये बात पता लगेगी तो एक हंगामा बर्पा कर देगी। आप उरूज से डर है क्योंकि आपको उसका ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं है। शाहजेब, जैसे वो आपकी बीवी है मैं भी आपकी बीवी हूँ, वो ही रिश्ता आपका मुझसे भी है। मैं जानता हूँ महीन, मुझे तुम्हारी परवाह है इसलिए मैं किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मगर मैं इंतजार नहीं कर सकती शाहजेब, कुछ ही देर में मेरी मंगनी हो जाएगी।
खुदा के वास्ते कुछ कीजिए, प्लीज कुछ कीजिए शाहजेब। हमारी आजमाइश तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब हमने सबसे छुप के निकाह किया था। मगर मुझे नहीं पता था कि हालात हमें इस मोड़ पे ले आएंगे शाहजेब। आप प्लीज सबको सब कुछ बता दें। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? खामोश क्यों है, कुछ कहते क्यों नहीं? दुल्हन साहिबा किससे बातें करी हो फोन पे? चलो सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। इतनी जल्दी मंगनी? अभी तो आए हैं वो लोग। आप ही अभी कहाँ, काफी देर से आए थे और तुम्हारा इंतजार कर रहे। क्या हुआ माही? मुझे उलझन हो रही है। आप ही अजीब सा लग रहा है सब कुछ। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जरा देखो तो अपने आप को। कुछ नहीं होगा मेरी जान, ये तो तुम्हारी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। चलो मूड खराब नहीं करो। जी अगर आपकी इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। जी जी जैसे आपकी मर्जी। अगर पहले आप कर लें तो जी ज्यादा अच्छा होगा। जी बिल्कुल क्यों नहीं। सब कुछ लुटाए ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। आंटी अब मेरा ख्याल है आप पसंद कीजिए। ये मोहब्बत है वो भोले भाले, कहना दिल को मुंह के हवाले। काम उल्फत का नासुक बहुत है, आके होंठों पे टूटेंगे प्याले। मैं जानती हूँ माहीन, ऐसे मौकों पे लड़कियां बहुत नर्वस होती हैं। चलो हाथ आप ही करो। मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकती। क्या कह रही हो तुम? ये सब क्या है माही, क्या करके आई हो तुम? आप ही ये मंगनी मैं नहीं कर सकती। क्या मतलब मंगनी नहीं कर सकती? तुमने खुद इस मंगनी के लिए हाँ की थी, अब क्या प्रॉब्लम है? क्या बदतमीजी है माही।
तुम्हें अंदाजा है कि मेहमानों के सामने तुमने हमारी इज्जत का तमाशा बना दिया है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अभी चलो चलो मेरे साथ वहां पे और उन लोगों के सामने माफी मांगो। क्यों हमारी इज्जत का तमाशा बना रही हो? अन्नी प्लीज, मेहमान अभी घर में ही है, लोग क्या सोच रहे होंगे? यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने अपनी बच्चियों की तरबियत इस अंदाज से की है। माही, तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का जरा ख्याल नहीं है? मैं बात करती हूँ, आप जाएं। इससे कहो कि जाके उन लोगों से माफी मांगे। इज्जत का तमाशा बना के रख दिया, जब चाह मना कर दिया, जब चाह हाँ कर दिया। ठीक है अम्मी, आप जाएं, मैं बात करती हूँ माही से। माही, अम्मी बहुत गुस्से में, मैंने आज से पहले अम्मी को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। अभी भी वो लोग बैठे हैं, मेरी बात मान लो, चलो चल के उनसे। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, अभी मैं आपको ये बात कैसे समझाऊं? मैं ये मंगनी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कोई तो वजह होगी। हाँ, मेरी मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी है, मुझे बताओ क्या बात है माही? सॉरी आप, मैं आपको अभी नहीं बता सकती कुछ भी। ये क्या बात हुई, क्यों नहीं बता रहे माही? मैं और अम्मी इन लोगों को क्या जवाब देंगे, प्लीज कुछ तो कहो। मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। अभी प्लीज अकेला छोड़ दो। तुम क्यों मुश्किल में डाल रही हो हमें? मुश्किल में तो मैं खुद हूं। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा हम मामा को क्या जवाब देंगे। तुम्हारी बहन ने सिर्फ तुम्हारे घर वालों की नहीं, मेरी मामा की भी इंसल्ट करवाई है। मैं खुद उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आयान माहिन खुद इस रिश्ते के लिए तैयार हुई थी, फिर इसने अचानक इस तरह इनकार क्यों कर दिया? इवन आई एम श्योर तुम ये सब कुछ जानती थी और तुमने मुझे बताया नहीं, है ना? अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं आपसे पहले जिक्र तो करती। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं मामा का सामना कैसे करूंगी। मुझे पता है आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। माही ने एन मोमेंट पे मंगनी तोड़ दी, रिंग वापस कर दी उसने, ये छोटी बात है क्या? मैं जानती हूँ, मैंने माहीन को समझाने की बहुत कोशिश की है। समझाना तो तुम्हें उस वक्त चाहिए था जब ये रिश्ते की बात चल रही थी। मुझे इस बात का डर था। एमन, मुझे सच से बताओ क्या बात है? क्या मतलब? एमन, मैं इतना बच्चा नहीं हूं और बेवकूफ नहीं हूं। मुझे साफ साफ बताओ माहिन के इनकार करने की क्या वजह थी? ऐसी कोई बात नहीं है आयान, प्लीज। तुम मुझसे कुछ छुपा रही? नहीं आयान, मेरा यकीन करें। कैसे यकीन की बात कर रही हो तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद कैसे कर लूं यकीन? प्लीज आप गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जब तक यमन से बात नहीं कर लूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। ये सारा तमाशा करने की जरूरत क्या थी? अगर यही सब कुछ करना था तो मैंने आपके साथ या उन लोगों के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। मामा, सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे और अम्मी को खुद यकीन नहीं आ रहा कि माहिन ने इनकार कर दिया है। आपकी बहन को इनकार करने से पहले कम से कम इतना ही सोच लेना चाहिए था कि ये रिश्ता मैंने लगवाया। आपको अंदाजा है कि मुझे उन लोगों के सामने कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है? मुझे तो पहले ही पता था ताईजान कि ऐसे ही होगा, आपको रिश्ता लगवाना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मामा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके शर्मिंदा होने से मेरी शर्मिंदगी कम नहीं हो जाएगी। है ना, आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारे यहाँ जबान की कितनी अहमियत होती है। अगर एक मरतबा जबान दे दी तो बस, फिर उसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती। आखिर तुम्हारी बहन ने इनकार क्यों किया? कहीं उसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? पता क्या तुम लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अरूज। तो फिर क्या वजह है? आखिर कोई तो वजह होगी ना जो उसने इनकार किया। आपने पूछा उससे? वो मामा, एक्चुअली
वो रशीद साहब की वजह से बहुत घबरा गई थी। रशीद साहब नहीं चाहते थे कि माहीन का यहाँ रिश्ता हो। वो माहीन ये नहीं चाहती थी कि रशीद साहब और अम्मी के दरमियान कोई, सिर्फ इसीलिए उसने मना किया। ऐसी कोई बात नहीं है, आप माहीन को यकीन दिला सकती थी ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने बड़े इनकार की इतनी मामूली वजह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यकीन हो या ना हो, जो सच था वो मैंने बता दिया मामा। बहरहाल जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं आइंदा आप लोगों के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। इंसान जिंदगी में एक ही बार गलती करता है बस। मुझे पहले पता था तुम्हारी बेटी शादी कभी नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं था। तुम्हें तो शौक है जमाने के सामने जलील होने का। गलती मेरी ही है, सजा भी मुझी को मिलनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ तुम्हें कि तुम्हारी बेटी जो है अज्जू को पसंद करती है। अब तो यकीन आ गया मेरी बात का? आपका दिमाग तो ठीक है रशीद साहब, मैं अज्जू को पसंद करूंगी? पसंद तो दूर की बात, मुझे तो उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती है। शादी से इनकार करने की वजह कुछ और थी। फिर क्या वजह थी, तुम्हें भी बता दो। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। देख रही है, देख रही कि तेरी बेटी किस तरह बात करी मेरे सामने। अच्छा हुआ मंगनी के वक्त मैं नहीं था उस वक्त। जितनी बेइज्जती उन्होंने की है ना, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम लोग की असलियत खोल के रख देता। बस कर दे, बस कर दे आप हमारे जख्मों पे मजीद नमक ना छिड़के। तो मैं पैसे ही बहुत परेशान हूँ, अल्लाह का वास्ता है हमारे हाल पर रहम करे। मैं रहम करूं? अभी और आज से कौन है कि ये रहम करे? इनको ख्याल नहीं आता है कि हमारी बूढ़ी माँ है, ये तो मैं जलील करते रहे, वो सही रहता है मेरे पीछे पड़े रहते हो सबके। रब ख्याल कर ले, रहम कर ले। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोल जल्दी बोल। अरे बोल चुकना, देर हो रही है मुझे। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। बड़े धोखे है इस राह में। मम्मी वो मर गई तुम्हारी माँ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया अम्मी। मगर किया तो तुमने ही ना। बेटियां तो माँ बाप का मान होती हैं, इज्जत होती हैं, उन्हें यूं सरेआम रुस्वा नहीं करती। अल्लाह तुम जैसी बेटी किसी दुश्मन को भी ना दे। आप जो कहना चाहे मुझे कह सकती हैं। मैं आपकी बात को बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने वाकई बहुत बुरा किया है। नहीं माँ, नहीं, तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है कि तुमने क्या किया है। तुमने अपनी माँ को जीते जी मार दिया है। इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला देती। क्यों सरेआम रुस्वा तो ना करती? मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? चली जाओ यहाँ से, मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मेरी बात तो सुन ले आप। जाओ जाओ, चली जाओ बस तुम। सॉरी माही, ये सब कुछ मेरी वजह से, मगर मेरा यकीन करो मैं ये सब नहीं चाहता। मैं तो मामा से। बस करें, आपको ज़रा तरस नहीं आया मुझ पर? अगर आज आप सबको बता देते कि आप मुझसे निकाह कर चुके हैं तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। ठीक है तुम, मैं ही बुजदिल। लेकिन इस बुजदिली का नुकसान मैं क्यों उठाऊं? मेरी फैमिली का क्या कसूर है शाहजेब?
अम्मी और आप ही मुझसे कितना नाराज है, मुझसे बात तक नहीं कर रही वो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ रहा हो, सबकी कितनी बातें सुननी पड़ रही। आपके लिए ये सब कुछ बहुत आसान है। आपको पता मुझे क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि आपको खुशी हो रही मुझे इस हालत में देखकर। ये कैसी बातें कर रही हो तुम माही? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ शाहजेब, अब मुझे किसी पर यकीन नहीं है, ना खुद पर ना किसी और पर। माहीन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये झूठी तसल्लियां आप किसे दे रहे हैं, मुझे या अपने आप को? काश काश सब कुछ ठीक हो सकता, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता शाहजेब। काश मैं इतनी मजबूर ना होती, काश मैं आप ही को बता सकती कि इस रिश्ते के लिए मैंने क्यों इनकार किया। फिर आपसे निकाह हुआ है के बावजूद मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैंने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ हो जाए। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे और मेरी जिंदगी का तमाशा बनता देखते रहे। आपको कौन सा फर्क पड़ता है मेरी जिंदगी से, कौन सा आपको मुझसे प्यार है, कौन सा मैं आपकी इकलौती बीवी हूँ? ऐसा मत कहो। अब आप मुझे कुछ भी कहने से नहीं रोक सकते। आपने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझे अकेला कर दिया। माहीन मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाहजेब किस साथ की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ खुशियों में साथ देने वाला आपका लाइफ पार्टनर नहीं होता, मुखलिस वो लोग होते हैं जो आपकी परेशानी में भी आपके साथ खड़े रहे। खैर अब मैं आपसे इस मुतालिक कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि गलती सिर्फ मेरी है कि मैंने आप पर एतबार किया। माहीन मेरी बात तो तुम्हारी अम्मी रशीद साहब से जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? आप क्या कहना चाहते हैं? तुम्हारी अम्मी ने रशीद साहब से शादी हमारी वजह से की थी ना, अब तो हकीकत सबके सामने आ गई, अब वो उनके साथ क्यों रह रही है? मगर क्या ईमान, रशीद जैसे इंसान के साथ रहने से बेहतर इंसान अकेला रहे। और वैसे भी रशीद कौन सा तुम्हारी अम्मी के साथ हर दुख सुख में शरीक होता है? वो क्या अम्मी के दुख सुख में शरीक होंगे, वो तो खुद अम्मी के लिए अजाब बन गए। तो तुम्हारी अम्मी क्यों उस आदमी के साथ रह रही है, क्यों उसके जुल्मों से तुम बर्दाश्त कर रही हो? रशीद साहब से जान छुड़ाना इतना आसान है, इसमें मुश्किल क्या है ईमान? वो रशीद से डिवोर्स ले गए और फिर अपनी जिंदगी आराम से गुजारे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो आप ठीक कह रहे हैं, अम्मी ने शायद इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इनकी वजह से परेशान होती और डिस्टर्ब रहती। मुझे अम्मी की बहुत फिक्र होती है, स्पेशली जब से रशीद साहब ने उन पे हाथ उठाना शुरू किया। मेरा दिल नहीं चाहता कि वो अम्मी के घर में कदम भी रखे। मैंने आप ही ना कहा आपको ऐसा? हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि हेमन ठीक ही कह रही है, रशीद साहब ने तो वाकई मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। मेरे ख्याल में उनसे अलग होना ही बेहतर है। आपको आप ही की बात मानने में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, रशीद साहब की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। क्या वो अम्मी अब क्या सोच रही हैं आप? मुझे डर लग रहा है माई। कैसा डर अम्मी? बेटा हमारा माशरा तो एक बार की तलाक याफ्ता को कबूल नहीं करता, तो ये दूसरी बार मुझे भी तुम्हारा भी सोचना है इस बात को लेकर, कहीं तो तुम्हारी शादी में ना कोई मसला हो। पहली बात तो ये है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, और उसका प्रैक्टिकल आप देख ही चुकी हैं, इसलिए इन सब बातों का आप भूल ही जाएं। लोगों की फिक्र मत करें, लोगों का बस चले तो आपको जीने भी ना दें। मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अब जिंदगी कितनी बची है? जितनी भी बची है अम्मी उसे तो सुकून से गुजारे।
तो कहती हूँ रशीद साहब से आप साफ साफ कह दे कि आप उनके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे कैसे कह दूं? तो फिर कैसे कहेंगी? हद होती है अम्मी, आप क्यों घबरा रही हैं? हम सब आपके साथ हैं। रशीद साहब के साथ तो मैं भी नहीं रहना चाहती, उस शख्स ने तो मुझे बेजार कर दिया है। फिर सोच क्या रही हैं अम्मी? आपको आपकी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात आपको एमन आपी के ससुराल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयान भाई ने ये बात खुद कही है एमन आपी से। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। शाहिब एक बात तो बताओ, माहिन का किसी से अफेयर चल रहा है ऑफिस में? ये तुमसे किसने कहा? कहा तो किसी ने भी नहीं, लेकिन देखो ना, एंड टाइम पे उसने मंगनी से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है उसका किसी से अफेयर चल रहा है। फरोज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। तुम इतने यकीन से ये कैसे कह सकते? और तुम कैसे कह सकती कि माहिन का किसी के साथ अफेयर है? ये तो उनका खानदानी मशगला। देखो ना, एमन ने आयान से अफेयर चला के उससे शादी की, उसकी माँ ने इस उम्र में दूसरी शादी की, तो माहिन नहीं कर सकती। रुश, तुम्हारे पास दूसरों की तफ्तीश करने के अलावा और कुछ भी नहीं है? तुम हमेशा एमन भाभी की फैमिली को क्यों डिस्कस करती? तुम मानो या ना मानो, मगर ये बात तो कंफर्म है कि माहिन किसी में इंटरेस्टेड है। ताईजान की बदौलत इतने अच्छे लड़के से उसकी एंगेजमेंट हो रही थी और उसने मना कर दिया। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि उसका किसी अमीर लड़के से चक्कर चल रहा है। तुम्हारे ये सोचने से सच नहीं हो जाएगा। शाहजेब, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, लेकिन मैं ये बात पता लगा के रहूंगी कि माहिन किस लड़के को पसंद करती। जल्दी से ना मेरे कपड़े सही कर दे और चाय बना के दे दे, जाना है मुझे। एक दफा की बात सुनाई नहीं दे रही तुझे? कपड़े सही कर दे, चाय बना दे, देर हो रही है मुझे। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बोल, जल्दी बोल। अरे बोल चुकना, देर हो रही है मुझे। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। क्या मतलब तेरा? शादी रह सकती? क्या बक रही है? मुझे तलाक चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पूरे होशो हवास में मैं ये बात कर रही हूँ, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। अबे पागल हो गई है तू, बावली हो गई है। इस उम्र में तलाक का एक और धब्बा लग गया ना तेरे पर, तो थूकेगी दुनिया तेरे पर। समझ में आ रही बात तुझे? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आपसे जो कहा जा रहा है वो करें। तेरा क्या ख्याल है कि मैं तुझे तलाक दे दूंगा? अबे जिंदगी भर तलाक ही दूंगा, कभी जिंदगी में जान छुड़ा नहीं सकती तू मुझसे, समझ में आ गई तेरे बात? ठीक है, तो फिर मैं कोर्ट के थ्रू खुला ले रही हूं। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, और ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। इसीलिए तो उन्होंने बहुत बेहतर फैसला किया। शुक्र है मम्मी को अक्कल आई, देर से आई मगर आई तो सही। माहिन, ये फैसला करना इतना आसान नहीं होता, और आंटी उम्र के जिस हिस्से में वहां इंसान सोच समझ के कदम उठाता है। अम्मी ने रशीद साहब से शादी करते हुए कुछ सोचा ही नहीं, यही तो उनकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन कोई जानबूझ के अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करता है। ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि रशीद साहब उनके लिए दर्द सर बन जाएंगे। तुम्हारी अम्मी खुद इतनी हौसले वाली खातून है, इतनी सॉफ्ट नेचर,
समझ में नहीं आता कि वो उस इंसान के साथ कैसे गुजारा कर रही है। अगर लाइफ पार्टनर हम मिजाज ना हो तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। अब तुम हंस क्यों रही? आप इसलिए कह रहे हैं ना कि आपको रूज को पेश करना पड़ता है? तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मुझे आपकी बेचारगी पे हंसी आती है। वैसे उरूज का बिहेवियर आजकल मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया, मेरा ख्याल रखने लगी है वो। और तो और, कल मेरा खाने पे भी वेट कर रही थी और आज मैं सोचता हूँ कि जल्दी घर चले जाऊं। क्यों, इतनी क्या जल्दी घर जाने की? यार वो मेरा इंतजार कर रही होती, मेरा भी तो हक बनता है ना उसे वक्त देने का, इसलिए मैं जल्दी घर चला जाता हूँ। वैसे अब आप चुप क्यों? अगर आप मजाक कर सकती हैं तो मेरा भी हक बनता है मजाक करने का। मुसीबत इस टाइम पे कौन आया इतनी रात में? अम्मी दरवाजे पे देखे कोई आया है? अम्मी लगता दवा खा के सो गई है। आ रही हूं। क्या बात है बे? दरवाजा क्यों नहीं खोले थे तुम लोग? ये कोई टाइम है घर आने का? नींद खराब कर दी हमारी। आइंदा अगर इस टाइम पे घर आए ना तो दरवाजा नहीं खुलेगा। धमकी दे रही है मुझे? धमकी नहीं, इतला दे रही हूँ। इस घर में ये तमाशे नहीं चलेंगे अब। रशीद अपनी मर्जी से चलता है, जब मेरा दिल करेगा तभी आऊंगा और दरवाजा खोलना पड़ेगा तुम लोगों को। आप खुद तो सारा दिन पड़े हुए सो रहे होते हैं, लेकिन मैं आपकी तरफ फारिग नहीं हूँ, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। कम अज कम रात को तो हमारी नींद हराम मत किया करें। नहीं तो क्या दरवाजा खोल के तूने मेरी जात पे एहसान कर दी जो मेरे में जता रही इस तरह? अपनी गलती मानना तो कभी आपने सीखा ही नहीं है। मैं भी तेरी तरह ही, तू भी तो अपनी माँ से बहस कर। मेरा और आपको जरूरत नहीं। तू एक फर्द हूँ। भाई भाई मुझे क्यों मार रहे हो? भाई मुझे क्यों मार रहे हो? मार रहा है क्या? खराब हो गया। तू खुश हो? क्या बात है? मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। बहुत गरूर है ना इस बात पे आपको? बहुत जल्द आपकी हैसियत बदलने वाली है, तो बेहतर होगा कि अपना बंदोबस्त कहीं और कर लें। यहां रहने की अब जरूरत नहीं है। रशीद भाई वो गुल्लू वापस आ गया है। कौन गुल्लू? अरे वही जिसकी डिफेंस में शादी हुई थी ना। अरे वही जिसने अपनी मैडम को फंसाया था। अच्छा ओ गुल्लू, वो जो अपनी नई गाड़ी लेके मोहल्ले में आया था शोशा मारने के लिए है? हाँ हाँ वही वही। तो फिर वापस क्यों आ गया? अपनी अम्मा को लेने के लिए आया होगा। अपने बीवी के बंगले में अपनी अम्मा को ऐश करवाएगा वो है? अरे नहीं उस्ताद, सब उल्टा हो गया। बीवी ने तो उसको घर से निकाल दिया और माँ ने घर में नहीं घुसने दिया, चार जूते लगा के निकाल दिया। नहीं यार ये क्या हो गया, क्या कह रहा है? अरे अलीदगी ले लिए मैडम ने उससे, बीवी आज से गई ना तो सब गया, बंगला इज्जत दौलत गाड़ी सब। वैसे अच्छा ही हुआ उस्ताद, बड़ा इतराता फिरता था ना अपनी गाड़ी में, उसके साथ यही होना चाहिए था। भाई मुझे क्यों मार रहे हो? मार
दिमाग खराब हो गया तेरा? एक तो उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया और तू खुश हो रहा ऊपर से। तुम्हें उससे बड़ी हमदर्दी हो रही है, आखिर क्या बात है? कोई बात नहीं है साथ, खैर तो है। मुझे तो तुम परेशान लग रहे हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुल्लू का गम तुम अपने दिल पर लगा के बैठ जाओ। कुछ तो बात है, बताओ ना उस्ताद आखिर बात क्या है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर क्या सोच रहे हो उस्ताद? मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, आखिर करना क्या चाहते हो? शाबिश, जाती हूँ। ऐसे नहीं करते मोहल्लेदारी में, ख्याल रखते एक दूसरे का। माहिन भी घर पे रही है, सहन भी घोड़े बेच के सो रही है, मौका अच्छा है।